आइए इस बार में हम गोवर्धन परिक्रमा में होने वाले 11 अपराधों के बारे में जानने का प्रयास करें। यह गोवर्धन परिक्रमा भाग 11 है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। परिक्रमा में होने वाले अपराधों को जानने से पहले हम ये जान लें कि घर से किस प्रकार हमें निकलना चाहिए। हमें सबसे पहले घर पर जो देवी देवता हैं या हमारा जो मंदिर है उसमें जाएं और वहाँ स्थापित देवों के हाथ जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं अर्थात गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं या वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे हैं उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं और उनसे कहें कि हम हमारे साथ आप एक अंश से चलिए और बाकी अंश से आप घर पर रह रहे बच्चों या इस घर की रक्षा के लिए। इससे क्या होगा कि आपके जो पितृ वगैरह जो देव अपने घर पर विराजमान कर रहे हैं वो भी आपके साथ इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे और आपकी यात्रा का फल आपको पूर्ण रूप से मिलने में सहायक होगा। प्रयास करें कि पूरी यात्रा में आपका जो मन है वो देव में रहे। हमने ऐसा देखा है कि लोग मनोरंजन के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, यह एक गलत कार्य है। जब आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए तीर्थ स्थान ना चुनें, और बहुत सारी जगह हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए पड़ा हुआ है। अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप लोग तीर्थ यात्रा को सच्चे मन से करें और जब से घर से निकलें भगवत चर्चा करें, यानी भगवान के नाम की चर्चा करें या फिर उनके चरित्र की चर्चा करें या जिस स्थान पर जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने अनेक बार अपनी तीर्थ यात्रा की लेकिन सफलता नहीं मिली। जिस काम के लिए हम तीर्थ यात्रा करने के लिए गए वो कार्य पूरा नहीं हुआ या हमारी जो मन में इच्छा थी वो अधूरी रह गई। इसके क्या कारण है ये हम बताने का प्रयास करते हैं। विद्वानों ने तीर्थ में जो गलत कार्य किए जाते हैं उन्हें अपराध का नाम दिया। आज हम उन्हीं अपराधों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। गोवर्धन रहस्य नामक इस पुस्तक में 11 अपराधों का वर्णन किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अपराध इस संसार में किए जाते हैं वो तीर्थ में मिट जाते हैं और जो अपराध हमने तीर्थ में कर दिए उन्हें कौन मिटा सकता है? अरे उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, वो वज्रलेप हो जाते हैं। अर्थात वे इस तरीके से कार्य करते हैं जैसे कि किस डूबते के पैर में कोई पत्थर बांध दिया गया हो। अतः हमें तीर्थ में पाप करने से या कुकार्य करने से बचना चाहिए। चलिए अब हम उपासना में होने वाले या परिक्रमा में होने वाले 11 अपराधों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। परिक्रमा भी उपासना का एक रूप है। उपासना में किए गए कुकार्य अपराध आदि पापों को जन्म देते हैं, अतः परिक्रमा में कुकार्यों से बचना चाहिए। पाप को जन्म देने वाले अपराध निम्नलिखित हैं। अपराध नंबर एक, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने सवारी या वाहन सहित प्रवेश करना। अतः हमें भगवान के मंदिर हो या फिर उनका अपना कोई भी श्री क्षेत्र हो उसमें सवारी या किसी वाहन के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपराध नंबर दो, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने खड़ाऊं जूते चप्पल आदि पहनकर प्रवेश करना, ये एक गलत व्यवहार है। अगर हम घर में ही भी इन चीज़ों को लेकर के प्रवेश करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता।
अतः हमें मंदिर में भी ये चीज़ें पहनकर नहीं जानी चाहिए। अपराध नंबर 3, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने मांस मछली मदिरा आदि तामसिक भोजन का सेवन करना व शयन करना, अतः हमें मंदिर में ये सारी चीज़ें पूर्णतया त्याग देनी चाहिए और शयन तो अर्थात नींद तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अपराध नंबर 4, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने जोर जोर से वार्तालाप, कटु वचन बोलना, अश्लील भाषण करना, किसी की निंदा करना, लड़ना झगड़ना व घर बार व कारोबार की बातें करना। आप तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए हैं, अतः आप केवल इन सभी चीज़ों को त्याग दें और भगवत चर्चा में लगें और फिर देखें कि आपको लाभ होता है या नहीं होता है। अपराध नंबर 5, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने झूठ बोलना, अपनी प्रशंसा करना आदि। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, हम अपनी प्रशंसा क्यों करें? क्योंकि वे खुद जानते हैं कि हम किस प्रकार के कार्य करते हैं और हम कैसे हैं, अतः हमें इसका इन कार्यों से बचना चाहिए। अपराध नंबर 6, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने भगवान को छोड़कर दूसरों को प्रणाम करना, उनकी ओर पैर करके बैठना या पैर फैला कर बैठना, अतः इन सभी कार्यों से हम भगवान की जाने अनजाने या ईश्वर की जाने अनजाने अवहेलना करते हैं, जो हमारे पाप का कारण बनता है। अपराध नंबर 7, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने या भगवान के श्री विग्रह के पास कोई कुकर्म करना, शौच आदि जाना या अपान वायु या पाद छोड़ना आदि अपराध है, अतः हमें भगवान के परिसर में ये सब पूर्णतया त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा हो भी जाता है तो अपने दाएं और बाएं हाथ के जो अंगूठे और उंगली हैं उनसे अपोजिट यानी जो विपरीत कान हैं उनको छूने का विधान माना गया है, अतः छुएं और शिव शिव या ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करें। अपराध नंबर 8, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने कुर्सी तख्त या चारपाई पर बैठना, यह भी उनका अपमान करने जैसा ही है, अतः हमें इन सब चीज़ों को भी त्याग देना चाहिए और यह सब स्थान यानी अपने से ऊंचा स्थान श्री भगवान को प्रस्तुत करना चाहिए। अपराध नंबर 9, भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने पूजा पाठ न करना। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो पूजा पाठ अवश्य करें, पूजा पाठ न करना भी एक अपराध है। अपराध नंबर 10, भोजन से पूर्व भगवान को भोगने लगाना व भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण न करना, अतः भोजन एक ऐसी वस्तु है जो भगवान ने हमें केवल हमें प्रदान की है, क्योंकि हम उसे पैदा नहीं कर सकते, उसे श्री भगवान ने ही पैदा किया है, अतः जब हमें भोजन मिले तो हमें उसे अर्पण करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोचते ही हैं कि सच में हम पाप के भागी बनने जा रहे हैं। अपराध नंबर 11, अपने इष्ट देव या भगवान या धर्म ग्रंथों की निंदा सुनना व निंदा करना, यह एक सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि इष्ट देव तो इष्ट हैं, उन्हीं के द्वारा इस पूरे विश्व का जन्म हुआ है और हम उन्हीं की निंदा करते हैं, और जो धर्म ग्रंथ हैं वो उनकी वाणी है,
उनकी वाणी को हम असत्य मानते हैं या उसकी निंदा सुनते हैं तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। अतः हम यदि परिक्रमा के लिए जा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को त्याग दें और पूरी कोशिश करें कि हम अपराध मुक्त होकर के या तीर्थ का पूरा पूरा लाभ लें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है और श्री भगवान से प्रार्थना है आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। जानकारी स्रोत पुस्तक गोवर्धन रहस्य प्रिंटेड एट विंगीत पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स। दूरभाष नंबर 9871718758। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना ओम जितेंद्र सिंह तोमर। डायरेक्टेड बाय ओम जितेंद्र सिंह तोमर, असिस्टेड बाय विनीता तोमर। ईमेल omjitendersingtomar@gmail.com। फ़ोन नंबर 9871718758, 9958858758।